नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से राम सूरत राय पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के भाई शराब की तस्करी करते हैं, जिसका सबूत पूर्व में दर्ज है। पुलिस की डायरी में सब कुछ दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का जमीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर आप को हम दिखाना चाहेंगे, एक पुलिस डायरी हमारे पास है जिसमें कि पूरा रिपोर्ट का जिक्र है। इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के मंत्री के परिवार वाले ही आजकल काम कर रहे हैं, बिना किसी सदन के, और हारे हुए लोग ही मंत्री बन रहे हैं। उन्होंने ये तक भी कहा कि बिहार में मंत्री के बेटे ही नल जल योजना को देख रहे हैं, शायद इसका पता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं। हमने कल कुछ गलत कहाँ बोला? हमने बोला कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे भी मंत्री बनते हैं जो चुनाव हारा हुआ हो, जो चुनाव जो है वो हारा है। एक मंत्री ऐसे हैं जो 9 महीने से, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसका कोई सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री बना हुआ है। एक मंत्री हैं कि उनके भाई उद्घाटन पूरा बिहार में जिला में करते चलते हैं, और एक और मंत्री आए हैं जिनका बेटा जो है वो जांच करने निकल गया अधिकारियों के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहाँ सब चीज़ की जानकारी होगी? उनसे तो जब पूछा जाए तो उनको जानकारी कहाँ होती है? हालांकि वो पढ़ते लिखते सब हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने इसके साथ साथ कहा, जो लोग भी मद निषेध के तहत जेल या जिसकी भी संपत्ति जब्त की गई है, वो सीएम के खिलाफ मुकदमा करें, क्योंकि ये सरकार की दोहरी नीति है। और हम अपील करते हैं कि जिन जिन लोगों का मद निषेध कानून में उनका परिसर, आवास, घर या कोई भी जब्त हुआ होगा, वो मुख्यमंत्री पर केस मुकदमा करें कि ये दोहरी नीति क्यों। हम सभी लोगों से अपील करेंगे बिहार में जो मद निषेध कानून के तहत जिनकी कुर्की जब्ती हुई हो या परिसर को सील किया गया हो, कोई भी कैंपस हो, घर हो, वो मुख्यमंत्री पर मुकदमा करें और ये सवाल पूछें कि मंत्री के भाई के परिसर की में आपने ना थाना खोला है ना कुछ करवाया, तो दोहरी नीति उनके साथ क्यों हो रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। धन्यवाद।